देखो f का अवकलन f डैश a बराबर इसका फॉर्मूला होता है लिमिट f टेंड्स टू जीरो। f a प्लस क्या होगा h और माइनस क्या होगा f a बटे क्या होता है h। x बराबर a पर अवकलन बोले है ना, और जब हम क्या लेंगे x बराबर एक, समझ गया। तो कोई फलन आपको दिया हुआ है, कोई फलन आपको दिया हुआ है, हम कहेंगे x बराबर एक पर अवकलज ज्ञात करो। क्या करो x बराबर एक पर अवकलज ज्ञात करो, तो क्या करेगा f डैश एक करेगा ना, यहाँ पर क्या देगा लिमिट s टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर क्या करेगा f वन करेगा बटे क्या होगा h। हम कहेंगे एक्स ए पर क्या दी, एक्स ए पर आपको लग याद करो तो क्या देगा एक जगह जिसे डी एक्स बैठा देंगे एफ डैश एक्स करेगा, इनका फॉर्मूला क्या होगा जीरो एक्स प्लस क्या होगा एच और माइनस क्या होगा एफ एक्स बटे ये मान होगा। खूब क्या मारेंगे, खाली सोरा मोटा सा चोट तक नहीं लगता लेकिन और क्या हो गया 10 हो गया ना yes, sir, हो गया। आपको फंक्शन क्या दिया है लेट एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस दो हो गया ना यस सर। तो एक्स बराबर 10 पर समझ गया ना, इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है, फलन का क्या करना है अवकलज ज्ञात करना। तो देखो तो अवकलज के लिए भी फॉर्मूला लिखा है ना, 10 पर निकल आए तो एफ डैश क्या होगा 10 होगा ना एफ डैश 10, इनको देखो एफ डैश जब 10 हो गया तो इनका फॉर्मूला क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 10 प्लस एच का सूत्र में नहीं देख लो एच टेंस टू जीरो है करते हैं तो सूत्र। चलो पुनः समझो, ये एक्स बराबर 10 पर जो है इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है, फलन का क्या करना है अवकलज। एक्सरसाइज क्या हो गया एक्सरसाइज 13.2। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स बराबर 10 पर समझ गया इस फलन का क्या ज्ञात करना है अवकलज। अब देखो अभी फॉर्मूला लिखा है ना एफ डैश ए एफ डैश ए बराबर क्या होता है लिमिट प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। उसी प्रकार से यहाँ पर एक जगह क्या है 10 है तो 10 प्लस क्या होगा 10 प्लस एच होगा होगा ना माइनस एफ 10 बटे क्या होगा बटे एच होगा एच होगा यस लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया जीरो। अब देखिए 10 प्लस एच न है 10 प्लस क्या है एच एच है। तो देखिए अगर एक्स है यहाँ पर तब न एक्स है यस सर एक्स है तब न एक्स है जी जी। अगर नहीं एकदम समझ रहे हो तो एफ 10 प्लस एच का मान निकाल लो, ये 10 प्लस एच हो गया हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू न है तो इसका होल स्क्वायर माइनस टू तो क्या होगा 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा तो 10 में क्या हो गया 100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20 एच माइनस टू। अब की बार है या हराया तुम प्रभास को, हराने वाली बात क्या है, हरा दिया तो हराने वाली बात क्या, अब की बार तुमको हरा है उधर का एकदम बोलने में। ये माइनस है ना एफ 10 का मान क्या होगा बोलो तो 100 माइनस क्या होगा 2 98 होगा ना यस सर। यहाँ पर क्या करेगा 98 काट देंगे ये कट गया जी सर एच प्लस 20 ऐसे भागा देगा ना जी सर एच प्लस 20 हो गया। अब की बार ये लड़का दाब दिया जी सर क्या बात है कम इस बात पे पुरस्कार मिलेगा चार का एक नंबर है आपको एफ एक्स बराबर
एक्स क्यूब और माइनस 27 है ना। यस सर। इनका एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला होगा? बनाओ तो फॉर्मूला। एफ इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एफ बचा हो रहा है ना। यस सर। आप बोला x छे तब ने x छे अब x के x में जो छे की वृद्धि भागले x h भागले x प्लस ने भागले जी सर q माइनस अब क्या होगा बोलिए तो x प्लस h का q माइनस माइनस 27 माइनस x समझ गया ना। तो ये तो सिर्फ x प्लस h का नमून हुआ जी सर। अब ये यहाँ पर क्या है? माइनस माइनस x क्यूब प्लस 27 अब ये न है तो माइनस एफ एक्स न है तो माइनस x क्यूब प्लस 27 होगा माइनस x क्यूब प्लस 27 अब बटे क्या होगा एच ये और ये क्या हो गया बटे एक्स क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हो? यस सर। क्या होता है? एक क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा? एच क्यूब जी सर। थ्री एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री एक्स एच एच स्क्वायर माइनस एक्स ठीक है सर। एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट जाएगा एच एच एस स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एच एच। अब एच का मान क्या रखेगा? जीरो रखेगा। जीरो जीरो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा। ये भी जीरो हो गया। ये भी जीरो थ्री एक्स स्क्वायर होगा सर। थ्री एक्स स्क्वायर हुआ ना। अगर उसमें देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। पावर में से क्या होता है? बढ़ जाता है। ये क्या है सत्ता? इस कांस्टेंट ने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बराबर नहीं। जीरो जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस जीरो थ्री एक्स स्क्वायर फूट गया। तो देखो उस नियम से काफी इजी है। एक के बार में बन जाएगा। इस नियम से क्या है? थोड़ा लॉन्ग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर पांच। पांच में आपको है एफ एक्स बराबर एक्स को पावर 100 प्लस 99 से चलते रहे थे बटे 2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस की भाग में 1 फिर देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 दिया सर। कोनो बात नहीं छो डॉट डॉट में सवाल छे केने सोच एक छे ये है ना। चलिए ये एफ एक्स है ना। एफ डैश क्या करोगे? वन सॉल्यूशन करेगा। अभी फॉर्मूला हम क्या बताएं? पावर क्या होता है? पावर कितना है? पावर गुना होता है। अब पावर में से क्या होता है? पावर क्या होता है? गुना होता है। पावर कितना है? 100। 100 क्या होगा? नहीं होगा गुना। अब पावर में से क्या होता है? तो 100 में से एक गया कितना बचेगा? बटे क्या हो गया? 100। फिर पावर क्या होता है? तो कितना होगा? 99 गुना या फिर पावर 89 फिर देखो प्लस डॉट डॉट यहाँ पर क्या होगा? 98 होगा ना। डॉट डॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन होता है। वन ने लिखा है और वन का क्या होता है? जीरो। वन कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। एक्स का वन। ई और ई कट गया। ई और ई कट गया। ई और ई कट गया। अब देखो एफ डैश वन ने कह रहा है निकालने के लिए। यस सर। अच्छा पहले एफ डैश एक्स निकाल लो जी पूरी तरह से। एक्स पावर क्या हो गया? 99। एक्स पावर क्या हो गया? 98 संतानवे
ऐसियान है ऐसियान है यस सर वन रखेंगे वन प्लस एक वन प्लस वन से चलते रहेगा तो क्या वो एक जुटेगा बोलो तो निन्यानवे को मारेंगे निन्यानवे तो एक से वाला हो गया यस सर ये भी नहीं बढ़ रहा है एक सौ नहीं हो गया जी सर कितना होगा माइनस का डॉट डॉट है ये क्या है डॉट डॉट है अगर माइनस नहीं देगा ना तो 101 लिखो दूर करके जी सर डर नहीं लगता था पहले सर अब नहीं हुआ चलो खुश हुआ ना जी चलिए अब क्या है एफ डैश जीरो है निकालो तो जहाँ जहाँ एक्स है सब एकदम जीरो ही हो जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ऐसे चलते रहेगा एक हुआ इसमें 100 गुना करो 100 हो गया ये समीकरण दो हो गया समीकरण एक एवं दो से क्या होगा एक एवं दो से क्या होगा एफ डैश एक्स जो होगा एफ डैश एक जो होगा वो 100 गुना क्या होगा एफ डैश जीरो यही प्रूव करना था अगर नहीं समझ रहा है ये तो मान यही न हो गया नहीं हुआ अब क्या कर रहा है एफ डैश एक नहीं कर रहा है जी सर जी पावर में से क्या क्या घटाए जोड़े पावर में से पावर जो होता है ना ये गुना हो जाता है पावर क्या होता है गुना पावर में से घट जाता पावर गुना हो गया नहीं दिख रहा है जी सर सिंपल दिमाग लगाओ पावर गुना ठीक है सूत्र अभी नहीं लिखा है फॉर्मूला है अभी नहीं खाती फॉर्मूला लिखा है डी एक्स पावर एन डी एक्स का क्या होता है फॉर्मूला एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन तो एन क्या हो गया अगर हम पावर लो एक्स पावर क्या हो जाए 100 बटे क्या होगा डी एक्स तो देखो 100 क्या होगा गुना होगा 100 में से क्या होगा घट जाएगा समझ गया आप जी सर अब समझ गया सर किसी को कितना हो जाए मुकेश को कितना हो गया तो दे देगा तो सबको एक एक लाख देगा देखो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्या दिया है एक्स पावर एन प्लस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस अब उनके बाद देखो ए स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस क्या है टू और ऐसे चलते रहता है डॉट डॉट ए पावर एन माइनस वन है एक्स है और ए पावर आपको क्या है एन है कह रहा है कि अब क्लच ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात कीजिए अब क्लच कर दिए एक्स पावर क्या होगा एन बटे डी एक्स ए एक्स पावर क्या होगा एन माइनस वन बटे डी एक्स ऐसे चलते रहेगा ए पावर एन माइनस वन इंटू एक्स ये डी एक्स ए पावर क्या हो गया एन बटे डी एक्स तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स होगा ना अब पावर क्या होता है गुना हो जाता है अब पावर में से एक क्या होगा घट जाता है एक क्या है कांस्टेंट है एक क्या है जीरो हो जाएगा देखो जब सिंगल कांस्टेंट रहेगा ना सिंगल कांस्टेंट तब जीरो हो जाएगा जब किसी चर राशि में गुना होगा तो बाहर आ जाता है सिर्फ चर राशि काम करते हैं ये बार आ गया पावर क्या होता है गुना होता है पावर क्या होता है गुना होता है अब पावर में से क्या होता है घट तो क्या होगा दो दो यानी मैंने सुन तो था इसमें से एक घटा तो दो ने हो गया नहीं समझा तो माइनस वन है ये ना जी इसमें से एक घटाएगा माइनस टू नहीं हो गया माइनस वन माइनस वन चला अब ये आपको क्या है कांस्टेंट है बाहर आ गया एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स का डेरिवेटिव एक होगा क्या होगा एक
कांस्टेंट का क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का क्या होगा? जीरो। एन माइनस वन हो गया। अब देखो ए एक्स एन माइनस एन माइनस टू चलिए ये आपको फंक्शन का मान दिया हुआ है, दिया है तो देखिए पावर क्या होता है, गुणा होता है। पावर में से क्या होता है? घट जाता है। डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है? पावर एन है ना, गुणा हो गया। पावर में से क्या होगा? घट गया ना। फिर ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? एगो चर राशि भी है नहीं जी, तो ये का होगा डिफरेंशिएशन। इसमें एक्स नहीं लगा देगा तो उनका तो डायरेक्ट जीरो हो गया, इसमें एक्स नहीं दिख रहा है, जीरो हो गया। कांस्टेंट एबीसीडी रहेगा तो कैसे पता चलेगा? दो चार छह आठ दस संख्या कौन हो गया? एबीसीडी हो गया। ये कैसे होते ये कांस्टेंट नहीं हुआ? चर है कि अचर है? चर अचर पर कि नहीं आया है? एक्स वाई चर होता है, ये अचर होता है। तो तब इसमें कांस्टेंट का क्या होता है? चर नहीं होता है हिंदी। वेरिएबल का क्या होता है? चर होता है। तो ये कांस्टेंट है ना, ये क्या होगा? बाहर निकल आएगा ना, ये क्या होगा? बाहर निकल आएगा। अब देखो ये पावर है, तो पावर क्या होता है? गुना। अब पावर में से क्या होता है? इसमें से एक घटाएगा, इसमें से क्या करेगा? ये पावर गुना हो जाता है। तो एन माइनस दो हो जाएगा, पुड़ गया जी सर। अच्छा, अब देखो डॉट डॉट हो गया ना जी, हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, बीच वाला बोला, बीच वाला लाइन वही तो सर जी प्रॉब्लम है, वो समझ जाएगा सर। इधर सब देखो डी से क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डी से क्या होगा? डेरिवेटिव, समझ गया ना, ये डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं जी सर। तो ये आपको डी एफ एक्स बटा क्या हो गया? डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष हो रहा है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, एक आधार में कर रहे हैं, एक्स वाले का ना सबका कर रहे हैं जी। तो नहीं लिखते हो कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर? जी सर, जी सर। तो भाषाई चीज जो लिखते हैं ना ऐसे ही नहीं लिखते हैं कि एक्स के सापेक्ष क्या हो रहा है? अवकलन। एक्स के सापेक्ष क्या हो रहा है? अवकलन। अब वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर वाई दे देंगे, जेड के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर जेड देंगे, समझ गया ना। पी के सापेक्ष करेंगे तो पी, टी के सापेक्ष टी, आर के सापेक्ष जो देंगे सही उसी के सापेक्ष, समझ गया ना जी सर। नहीं होता डी वाई बटे डी एक्स इसी को बोलते हैं, समझ गया ना सर। डी एक्स तो वाई बराबर एफ एक्स होता है, तो डी से क्या हो गया? डिफरेंशिएट, समझ गया ना, डेरिवेटिव इसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इनका अर्थ समझ गया ना जी सर? वो किन्हें समझा? समझ गया। अब ये भी समझ ही चुके हो, किन्हें समझा है? जी जी, तो यहाँ तक तो हम बता ही दिए थे। एक्स का समझा दीजिए ना सर, वहीं पे कहाँ पर? डी एम बराबर एक्स एन माइनस जी, कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ गया, कांस्टेंट का नहीं होगा जी, नहीं होगा, ये बाहर आ गया जी सर। एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? वन नहीं हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और दिक्कत है काम हमको अटकाया हुआ है, समझ गए तो सर जी कितना टेंशन फ्री हो गया, नहीं तो मन भी होते रहता है सर जी। बढ़िया नहीं करने मजा आता है सर, रूम छपे नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सात का एक हो गया, वाई बराबर क्या है? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस क्या है? बी है, तो वाई बराबर। अब देखिए मान लो अगर नहीं माना है तो मान लो फंक्शन को हम क्या मानते हैं? वाई मानते हैं। फंक्शन क्या मानते हैं? वाई मानते हैं। तो लिखना हो तो यहाँ पर वैसे ही वाई का मान होता ही है, लिखो कि नहीं लिखो कोनो बात नहीं है। चलिए इनको इसमें गुणा कीजिए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ये वाई हो गया
इनका डिफरेंशिएशन लिख देगा डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अब डी वाई में क्या होगा एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं इसमें गुना करेंगे डी बटे डी एक्स से तो सब में हो जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स माइनस माइनस डी इंटू बी एक्स बटे डी एक्स माइनस डी इंटू ए एक्स बटे डी एक्स प्लस डी इंटू ए बी बटे डी एक्स बोलो इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर का टू इंटू एक्स में पावर टू एक्स हो गया जी सर जी पावर गुना हुआ पावर उससे घट गया जी सर इसका क्या होगा बी एक्स होगा बी एक्स का क्या होगा बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इसका क्या होता है इसका वन होता है बी बी हो जाएगा बी ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया ए होगा सर जी माइनस ए प्लस सर जी जीरो अब क्वेश्चन नंबर एट देखो लेट वाई बराबर एक्स पावर एन ए पावर एन अब बटा क्या है एक्स माइनस ए तो अब कलर ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है तो चलिए डी वाई बाय डी एक्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अभी फॉर्मूला एगो लिखा है ना डी यू बटा वी का फॉर्मूला क्या होता है यू वी डी यू बटा डी एक्स माइनस यू माइनस यू डी वी बटे डी एक्स बटा क्या होता है डी एक्स होता है ना तो ये पूरा मान क्या हो गया यू और ये मान आपका क्या हो गया डी हो गया ना तो चलिए यहाँ पर क्या होता है भी क्या होता है भी भी का मान क्या है एक्स माइनस ये है ना जी सर चलिए फिर किसका डिफरेंशिएट होता है यू का तो एक्स पावर एन का क्या होगा एन एक्स पर एन माइनस वन नहीं होगा जी सर ए पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होगा जीरो नहीं होगा जी सर क्योंकि उसमें से एक्स चर राशि नहीं चलिए अब फॉर्मूला से यहाँ पर क्या आता है माइनस अब ये क्या है यू यू का मान क्या है यू का मान है एक्स पावर एन माइनस एम पावर एन ये पावर एन अब देखिए किसका डिफरेंशिएट होगा वी का होगा ना जी सर वी का मान क्या है एक्स माइनस ए एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएट वन ए का क्या होगा बटे क्या होगा बटे वी स्क्वायर वी स्क्वायर यानी एक्स माइनस ए का हो गया ना तो एन एक्स पावर एन माइनस क्या हो गया वन एक्स माइनस ए माइनस एक्स पावर एन ए पावर एन एक्स माइनस ए का क्या हो गया होल स्क्वायर ये आंसर हो गया बुझता नहीं है अपना मोबाइल के बारे कौन लाइक टिकटॉक वीडियो देख देख के टू एक्स माइनस थ्री बटे फोर डी वाई बटे क्या होगा डी एक्स तो देखो टू क्या है कॉन्स्टेंट न है जीरो हो गया नाम सर प्रथम सिद्धांत से देखो यहाँ पर लेट एफ एक्स बराबर क्वेश्चन नंबर 10 एफ एक्स बराबर क्या मान लेना है कोस एक्स वैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किएगा माइनस साइन एक्स जी सर डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं अवकलन कहते हैं अवकलज जब हम प्राप्त कर लेते हैं एकदम खाना तैयार तो अवकलन हो गया समझ गया ना नहीं होता है देखो प्रूफ जब हो गया प्रूफ समझ गया ना चलिए प्रथम सिद्धांत से निकल रहा है तो एफ डैश एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो तो लिमिट लिमिट एफ टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एफ माइनस एफ एक्स बटे एच
बटे एच होता है लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया जीरो। अब देखो एक्स है तो हमने एक्स है और एक्स प्लस क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस एच होगा सर जी होगा कि नहीं होगा जी सर जी सर। एफ एक्स का मान क्या है कोस एक्स नहीं कोस एक्स बटे क्या है ऐसे है ना जी हाँ। अच्छा फॉर्मूला बताओ तो हमने जो आपको लिखाया है कोस सी या माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो कोस सी प्लस डी बटे टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू यानी एक्स प्लस एच बाय टू अब प्लस एक्स बटे टू प्लस एक्स लगाए ये वो ही नहीं हो गया एक्स प्लस क्या होता है सी होता है ना सी प्लस डी बाय टू होता है ना सी का मान क्या हो गया एक्स प्लस डी का मान क्या हो गया एक्स अब फिर क्या होता है सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू कट जाएगा होगा ना जी सर ये फॉर्मूला होता है बटे क्या हो गया एच हो गया। चलिए लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया जीरो माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच बटे टू तो टू एक्स जो एक्स क्या हो गया टू एक्स हो गया ना जी सर टू एक्स प्लस एच बटे साइन एच बटे टू अब बटे क्या है एच है ना ये जो आपको टू है इस एच में भाग दे दो क्या आ सकता है ना जी कट जाएगा आप समझ लो देखो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू ठीक है जी ठीक है ये माइनस टू ये साइन हो गया एक्स एक्स टू एक्स एच ये साइन एक्स एक्स खत्म हो गया एच बाय टू इतना तक समझ ये एच हो गया ना चलिए अब लिमिट दो को फंक्शन है एगो फंक्शन ही तो बारी बारी से लिमिट दोनों में लग जाएगा जी लग जाएगा जी सर तो बारी बारी से दोनों में लिमिट लग गया जी तो देखो है जी ये जो एच है ये एच हो गया दो जो है ये दो हो गया दो को पलटाएगा तो पढ़ने आ जाएगा जी सर माइनस भी था ई माइनस हो गया सब चीज पुट गया ना जी सर अब क्या किए एच का मान यहाँ पर रखो जीरो एच का मान क्या रखेगा यहाँ पर जीरो ने हो गया जी सर जी समझे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक यहाँ पर समझो कि एक्स की जगह क्या है एच बाय टू और यहाँ पर भी क्या है एच बाय टू तो इनका मान क्या होगा नहीं आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स के फॉर्मूला पर नहीं आ गया जी सर और देखा सवाल लेट वाई बराबर क्या हो गया वाई बराबर साइन एक्स और क्या हो गया कोस एक्स हो गया ना यस सर देखो यू और भी दो को फंक्शन आ गया ना जी सर क्या को फंक्शन आया दो को तो बोलो अभी सूरत लिखा है डी यू भी का फॉर्मूला क्या होता है एक यू डीवी बाय डी एक्स प्लस भी डी यू बाय क्या होता है डी एक्स एक बार जो है बी का हो जाता है डिफरेंशिएट एक बार किसका हो जाता है यू का तो डी वाई में क्या करोगे डी एक्स करोगे ना तो देखो प्लस में किसी का भी कर दो पहले डिफरेंशिएट मतलब एक का डिफरेंशिएट होगा तो एक स्थिर रहेगा समझ गया ना जैसे मान के चलो कि हम किसका डिफरेंशिएट कर दे बोलो कोस और साइन एक्स का चलिए साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा कोस एक्स
कोस आपकी बार स्थिर रहेगा, कोस का नहीं करेंगे ना, साइन का कर दिया तो कोस क्या रहेगा, स्थिर रहा। आप देखो प्लस दिया, अब यहाँ पर देखो साइन एक्स का कर चुके हैं ना, आपकी बार कौन स्थिर रहेगा, साइन एक्स स्थिर रहेगा, इसका डिफरेंशिएट होगा तो कोस का क्या होता है माइनस साइन, कोस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर।